अगर आप इंडियन रेलवे से सफर करने जा रहे हैं और उसके लिए जा रहे हैं टिकट करने के लिए, IRCTC से टिकट करने के लिए, तो एक ऐसा ऑप्शन जिसमें आपके लगते हैं 35 पैसे, सिर्फ 35 पैसे, और ये 35 पैसे आपको फायदा करवा सकते हैं लाखों रुपए का। तो आखिर क्या है इस 35 पैसे का रहस्य, वो आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आपका स्वागत है इन्फॉर्मेशन वॉरियर की एक और नई वीडियो में। जब भी हम रेलवे से सफर करते हैं तो उसके लिए हम टिकट बुक करवाते हैं, और टिकट बुक करने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो हम काउंटर से अपनी टिकट बनवाएं या फिर IRCTC की साइट से हम अपनी टिकट बनवाते हैं। तो अगर आप IRCTC की साइट से अगर आप टिकट बनवा रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है इंश्योरेंस का, जिसकी फीस मात्र 35 पैसे है। जी हाँ, सिर्फ 35 पैसे इसकी फीस है, और ये 35 पैसे आपको लाखों रुपए का फायदा करवाता है। इनकेस अगर कोई हादसा हो जाता है ट्रेन के साथ, तो उस कंडीशन में जो बीमा कंपनियां हैं ये 10 लाख तक का भुगतान करती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उसको 10 लाख रुपए तक का मुआवजा मिलता है। अगर कोई पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है उसको भी 10 लाख का भुगतान किया जाता है। अगर कोई गंभीर रूप से विकलांग हो जाता है उस कंडीशन में उस व्यक्ति को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है। उसके साथ साथ अगर कोई गंभीर रूप से जख्मी हो जाता है उस कंडीशन में 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलता है उसे अस्पताल के खर्चे के रूप में। साथ ही साथ जब यह एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन तो वहीं पे रुक जाती है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को 10,000 रुपए का मुआवजा मिलता है, ताकि आप आगे का अपना सफर कर सके, अपने सामान आगे को ले जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये आपको क्लेम करने के लिए मिलता है सिर्फ 4 महीने, कि आपको 4 महीने के भीतर में ये क्लेम करना होगा, इसके बाद इसका आप कोई भी फायदा नहीं उठा सकते हैं। एक चीज और, जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो ये 35 पैसे पे लोग बाग क्लिक तो कर देते हैं, उसको पे तो कर देते हैं, लेकिन उसमें अपना नॉमिनी नहीं जोड़ते हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, जब भी आप बुक कर रहे हैं तो नॉमिनी की डिटेल उसमें डालें। अगर आपने डिटेल नहीं डाला है तो उस कंडीशन में होता क्या है, जो सरकारी रूप से जो उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी होता है, जैसे बीवी हो गए, बच्चे हो गए या माँ बाप हो गए, उस कंडीशन में उनको ये मुआवजा दिया जाता है अगर वो अप्लाई करे तो। और इसमें सबसे बढ़िया बात ये है कि जब भी आप क्लेम करते हैं इंश्योरेंस को तो 15 दिन में आपके पैसे आप तक पहुंच जाते हैं। एक चीज और, ये सुविधा सिर्फ ई टिकट पर ही अवेलेबल है। अगर आप काउंटर टिकट करवाते हैं तो उसमें ये सुविधा नहीं मिलेगी। साथ के साथ जनरल डब्बे पे भी ये सुविधा लागू नहीं होती है। इसके लिए कम से कम आपके पास स्लीपर टिकट या फिर AC की टिकट होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में हुआ उड़ीसा में जो ये ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी, उसमें कितने लोगों की जान गई, कितने लोग हताहत हुए। तो आपका सिर्फ 35 पैसा आप अगर है तब भी आपके काम आएगा, अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके परिवार की कितना काम आएगा। 35 पैसे कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से पे कर सकते हैं। तो जब भी अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो इंश्योरेंस जरूर लें, सिर्फ 35 पैसे का है, लेकिन इसके फायदे तो आपको मैंने बताए ही है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है या कुछ अगर इसमें मिसिंग रह गया है तो ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।